हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो देसी अवैध पिस्तल पर दो मैगजीन के साथ कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस की हिरासत में। बाड़मेर जिले में लगातार हो रहे अवैध हथियारों की तस्करी को गंभीरता से लेते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को दो अवैध देसी पिस्तल व दो मैगजीन के साथ हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण के मतदान के दौरान सदर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर अवैध पिस्तल के साथ सदर थाना क्षेत्र हल्के में घूम रहा है, जो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के वाहन से दो अवैध पिस्तल सहित वाहन को हिरासत में लिया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि आरोपी विजय सिंह निवासी दूधबा चौटन थाना क्षेत्र के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों व आबकारी के 14 मामले दर्ज हैं और ये अवैध पिस्तल कहां से लाया था और आगे कहां ले जा रहा था, इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। वहीं बाड़मेर में लगातार अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु पुलिस लगातार सतर्क है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महावीर प्रसाद शर्मा पुलिस उप अधीक्षक बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। विजय सिंह नाम है इसका और चौटन क्षेत्र का ये कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ पहले भी 14-15 मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। अब हमारे जो आगे की तफ्तीश है वो इसमें ये रहेगी कि इसके जो अवैध हथियार का सोर्स क्या रहा है, ये कहाँ से लेके आए और किस तरह के अपराधों में संलिप्त रहा है, इसकी गहराई से हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाकी साथी कौन है, क्या ये गैंग किसी गैंग का मेंबर है, इसकी गहराई में जाकर के पूछताछ करेंगे और मुख्य रूप से ये हथियार किस तरह से लाते हैं, किसको सप्लाई करते हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।